रुपये स्टूडेंट दे दो, इबे कटोरा ठहरे पाछे किसान का गेल खड़े पाऊंगे। हम आड़ती के बगैर जमींदार को कभी भी नहीं सुन सकता। आड़ती का और जमींदार का मतलब बहुत एक पारिवारिक नाता है, ये सरकार से लड़ाई है। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम पहुंची है आज नई अनाज मंडी जुलाना में। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ आज हम देख पा रहे हैं कि जो आड़ती वर्ग है, जो मंडियों में गेहूं की खरीदी के लिए, अनाज की खरीदी के लिए जो अधिकृत लोग हैं, आज वो सारे के सारे हड़ताल पे बैठे हैं। इस हड़ताल का सीधा असर किसानों पे पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेवार कौन? चार लोग अभी आमरण अनशन पे हैं, इसके बारे में कुछ बताओ। अभिनियम कल से बैठे हैं जी, कल बैठे थे हम चार। राजपाल लठरे, मेरा नाम है प्रधान, एक्स प्रधान मनोज डिगाना जी, जगबीर डिगाना जी और राजेश मलिक जी सामने से, ये चार बैठे हैं। और जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और जैसे पंजाब में गेहूँ खरीदा जा रहा है, हमारी सरकार से यही अपील है, यही आग्रह है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसी पद्धति के हिसाब से गेहूँ खरीदा जाए। धन्यवाद। राजपाल जी, सरकार अभी बता रही थी कि उन्होंने आपकी तीन मुख्य मांगे मान ली है, क्या सरकार ने आपकी कोई मांग मानी है अभी तक? मुख्य मांग तो दो ही थी हमारी, तीन थी भी नहीं। बोलिए। एक तो ट्रेडिंग बंद करना और एक जमींदारों को चेक ना कटना। जब अगर सरकार कह रही है कि ऑनलाइन ई ट्रेडिंग के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, तो आपको इस चीज में आपत्ति क्यों है? क्यों आप इस चीज से दूर हट रहे हैं? अगर आपने अभी 15 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की खरीदी ऑनलाइन ई ट्रेडिंग के जरिए की थी, तो अब गेहूं की खरीदी में ये दिक्कत क्यों? क्या आप समझते हैं कि जो सरसों की खरीद हो रही है वो सही है? आप जाके देखिए जमींदारों का हाल है। 6 क्विंटल सरसों लिखाई जाती है, अगर 10 क्विंटल सरसों एक एकड़ में हो जाती है तो उसको वापिस ले जाना पड़ता है सारी रात। और एक जमींदार कोई 2 कट्टा वापिस ले जाता है, कोई 1 कट्टा वापिस ले जाता है। और जो इनका जो ऑनलाइन सिस्टम करने का ढंग है, तरीका है, इनको यूं नहीं पता एक एकड़ में कितना होता है। 10 एकड़ जिसने लिखवाई है उसका भी 4 क्विंटल लिख रखा है, कैसे काम चलेगा उन जमींदारों का? तो इनका कहना है कि किसानों का जो बताया जा रहा है, जितना ऑनलाइन लिखवाया गया है उससे ज्यादा की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन ये कह रहे हैं कि चेक के माध्यम से उनको पेमेंट ना की जाए। सर, अभी आपको पिछले वर्ष का एक अनुमान कितना है कि कितने गेहूं की खेती की जो फसल है आप जुलाना मंडी में आई थी, और इस वर्ष का कितना अनुमान है? लगभग 18 लाख कट्टे। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि आपकी जिद की वजह से या सरकार की जिद की वजह से कि किसानों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? किसान और आड़ती तो एक साथ ही इकट्ठे खड़े हैं, ये सरकार से लड़ाई है। ये सीधा अपने शब्दों में साफ साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई सरकार के साथ है, किसान और व्यापारी वर्ग तो साथ के साथ खड़ा है। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पे है इस चीज की व्यवस्था ना बिगड़े। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लचीलापन आपको भी लेके आना चाहिए अपनी मांगों के बीच में? जरूर लेके आना चाहिए, सरकार को भी लेके आना चाहिए और आड़ती एसोसिएशन को भी लेके आना चाहिए, लेकिन कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। सरकार अपनी जिद पे अड़ी है तो हम क्या करें, हम भी जिद पे खड़े हैं। सरकार का यह दावा कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने 1 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है, आपको क्या लगता है जुलाना मंडी के अंदर कितने गेहूं की खरीदी हो पाई है अभी तक? कहाँ खरीदा है, आंकड़ों में बोलने से क्या होता है? बोलने के लिए तो जब ये इलेक्शन लड़ते हैं कुछ भी घोषणा कर देते हैं। ये खट्टर साहब और ये अभी छोटा खट्टर है दुष्यंत जी, ये भी पता नहीं क्या क्या भाषण दे रहे थे। मोदी जी भी ये कह रहे थे शुरू की कलम से, जिस दिन हमारा राज आएगा मैं किसानों का कर्जा मुक्त करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्या कर दिया? आंकड़ों में कहने के लिए तो अनाज खरीद दिया, हमें बताओ वो बोरी कहाँ लगी हुई है, कहाँ खरीदा है? जुलाना में अगर एक अनाज का दाना भी खरीदा हो तो बताओ। हम एक ही बात चाहते हैं, जिस जमींदार का अनाज है वो अपना पूरा अनाज लेके आए और सोशल डिस्टेंस रखे, आड़तियों के दुकान के आगे उतार जाए, धीरे धीरे तोलाई उतारे और लौट उतारे। जैसा कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से वो डेली के कुछ किसानों को मैसेज भेजेंगे उनका गेहूं यहाँ आएगा, लेकिन अगर आपकी मांग के अनुसार गेहूं आड़ती जो वर्ग है सीधा किसानों को बुलाएगा तो सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे कर पाएगा? मैं भी देख पा रहा हूं कि आप लोग जब ये हड़ताल पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भी नहीं कर पा रहे, क्या ये धारा 144 का उल्लंघन नहीं है? गेहूं आएगा पूरी भरी मात्रा में आएगा, क्योंकि आज 22 अप्रैल हो चुकी है, गेहूं की फसल सबकी पक्के तैयार खड़ी है, अधिकतर फसल कट भी चुकी है, किसानों ने जहां तहां फसलों का भंडारण करके रखा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप कैसे पालन कर पाएंगे? कोरोना वायरस के चलते सरकार की नीतियों को हम पूरा मानते हैं, सोशल डिस्टेंस
जरूर रखेंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम मंगवाएंगे, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से सरकार मंगवाए, लेकिन इनको ऑनलाइन भी नहीं करना था। आज तक डाटा दे दिया, अगर 50% अगर ऑनलाइन उन्होंने किया हो तो कोई जिम्मेदार करवा के कुछ नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन करवा दिया उनका भी उसी हिसाब से इनको अनाज नहीं मंगवाना आता। वहाँ एसी में बैठ के फैसले किए जाते हैं, हमारे जैसे धौड़पो से जो जिसको हम एमएलए एमपी बनाते हैं वहाँ जाके बिक जाते हैं, एसी में बैठ के फैसले करते हैं, जो अफसर बताते हैं वो उसी के यहाँ पर लेते हैं। कल एक मैंने बताया था ब्राह्मणवास से, जय भगवान शास्त्री है, फिलहाल सरपंच भी है वो, उसके पास मैसेज आया हुआ है कि आपने गेहूं को, आपकी गेहूं की खरीद होनी है सुबह 9 बजे से और 6 बजे तक, उसको आप लेकर खरड़ मंडी पहुंचे, खरड़ मंडी निर्वाणा के पास है ना के जुलाना के पास, उसका गांव जुलाना अनाज मंडी के पास है। बताओ कैसे मैसेज होंगे, ये दिक्कत है जमींदारों को भी। बिल्कुल, किसानों की एक बड़ी दिक्कत ये है कि जैसा बताया गया कि अगर जुलाना की मंडी का किसान है तो वो खरल मंडी में जाके कैसे गेहूं डालेगा। मेरा सरकार से बस एक सवाल है, सरकार कावराड किसान कावराड तीगा बहुत पुराना मेल है, किसान को रात को 12 बजे पैसे मिल जाए तो अड़ती निकाल के दे देता तजूरी से, और रात को ये नहीं बताता मैंने किसान को रात को भी पैसे दिए हैं, या सरकारी भी 5-5 किलो दाने दे दो, 5-5 रुपये स्टूडेंट दे दो, इबे कटोरा ठहरे पाछे किसान का गेल खड़े पाऊंगे। तो जो अभी जो ऑनलाइन सिस्टम है क्या आप खुश नहीं है इस चीज से? बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, सरकार दे देगी जो इबे कटोरा ठहरी पाछे कुकर दे देगी, घर में विवाह हो मत को कोई दुख हो कोई बात हो कुछ कुछ भी हो बीमारी हो अड़ती एक मिनट में पीछे दे दे। अरे साथ दूसरे किसान है भूप सिंह राजगढ़ से, आइए उनसे जानते हैं क्या मानना है आपका ये जो ई ट्रेडिंग सिस्टम है, क्या क्या मत है आपका इसके बारे में? ये जो ई ट्रेडिंग सिस्टम है ये सरकार का बिल्कुल ही गलत रवैया है, क्योंकि हम आड़ती के बगैर जमींदार को कभी भी नहीं सुध सकता। जब आज फसल की कटाई है ट्रेडिंग के माध्यम से गेहूं लिया जाएगा, इसकी मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया हमने भी करवाया, आज तक हमारे पास मैसेज नहीं आया। अब तूड़ी के भी पैसे देने हमने बनवाई के, गेहूं कटाई के भी देने हैं हमने, और खाद बीज भी लेना है, आधी रात को हमारे को पैसे देते हैं। और पंजाब सरकार जब पड़ोस में एक सरकार पुरानी नीति से ले रही है तो इस हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? हम नहीं देना चाहते ई ट्रेडिंग के माध्यम से, और दे भी गए तो कब देंगे? आज तक हमारे पास मैसेज नहीं आया, 3 दिन गेहूं की खरीद शुरू होगी और फिर भी हम मंगा रहे हैं ई ट्रेडिंग से कि आप लिया 30 क्विंटल 20 क्विंटल, ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर हम स्टोरेज करेंगे तो कहाँ करें? जमींदार के पास नहीं है इतनी सुविधा कि वो स्टोरेज कर ले फसल की, इतने दिन कहाँ से स्टोरेज के कहाँ से काम चलाएंगे? आड़ती रात को भी पैसे देता है, आड़ती का और जमींदार का मतलब बहुत एक पारिवारिक नाता है, और आज तक ये सिस्टम आज नहीं 70 साल से चला आ रहा है, ये आज इस सरकार को कैसे इसकी वो होगी? मतलब ये गलत है, जमींदार खुश हैं, आड़ती खुश हैं, सरकार को दिक्कत क्या? क्या रिवेन्यू हरियाणा सरकार का ही कम हो रहा है, और किसी सरकार का पंजाब में लिया जा रहा है, राजस्थान में लिया जा रहा है, तो यहाँ क्यों ये हो रहा है? अभी सरकार क्या फैसला लेगी इस पे तो हम बने रहेंगे आपके साथ, आपको ग्राउंड से हर एक रिपोर्ट देंगे, जैसे ही जुलाना मंडी में कुछ भी हलचल होगी आपको पल पल की खबर मिलेगी। मैं पंकज दिनेश के साथ ग्राउंड मीडिया टीम जुलाना। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।